खरगोन जिले के बड़वा के समीपस्थ ग्राम अस्तरिया में ओंकारेश्वर बांध की फेज टू की नहर में गेट नहीं लगे होने के दौरान नहर का बढ़ता जल स्तर कृषकों के खेतों में घुस गया, जिसके कारण नहर के आसपास के करीब 500 एकड़ भूमि पर पानी का भराव हो गया। ग्राम अस्तरी निवासी हरे सिंह पवार ने बताया कि रविवार शाम करीब 5 बजे मुख्य केनाल में संबंधित विभाग द्वारा पानी छोड़ा गया, लेकिन नहर में गेट नहीं होने से बढ़ते जल स्तर के कारण नहर का पूरा पानी किसानों के खेत की ओर मुड़ गया, जिससे कई किसानों की खड़ी कपास की फसल नष्ट हो गई। वहीं खेतों में बिजाई भी पूरी तरह बह गई है, जबकि पूर्व में भी ऐसी गतिविधियां हुई थी, जिसके बाद विभाग को नहरों में गेट लगाने की शिकायत की गई थी, किंतु विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से आज फिर किसानों की फसल नष्ट हो चुकी है। इस मामले में नायब तहसीलदार राहुल सोलंकी ने कहा कि ग्राम अस्तरी में फेज टू की नहर में गेट नहीं होने से ये पानी खेतों में बह गया है। इस मामले की जांच के लिए पटवारियों का दल रवाना किया गया है। तो वजह से खेतों में पानी भरा गया, क्या मामला पूरा? ये ग्राम अस्तरिया के अंतर्गत फेज टू की जो नहर है वहाँ पर नहर में फाटक नहीं होने से सूचना मिली कि जो पानी है वो खेतों में घुस गया है, जिसकी जांच की जा रही है। नहर के अधिकारियों को सूचना भी कर दी गई है, किसानों ने समस्या बताई है और पानी जो घुस गया उसके लिए खेतों में जांच के लिए पटवारियों को एक दल भी भेजा हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। बोल रहा हूँ, मेरे खेत में पानी घुस गया, ये केनाल से गेट भी लगाया, उसके पहले पानी छोड़ दिया इनने यहाँ पे, और पूरा 5-7 बीघा के खेत में पानी 15-25 बीघा में पूरे पानी फैल गया। इधर तो वो सारा गिर 500 एकड़ में चला गया। अच्छा, क्या लगा हुआ था आपकी? कपास लगा हुआ था, फसल उंगी हुई थी सब पूरी। अच्छा, वो नष्ट हो गई। अध्यक्ष हो जल उपभोक्ता संस्था, बताएं क्या मामला हुआ खेतों में? सर, क्या है कि ये मेन केनाल का अचानक इन्होंने कल लेवल बढ़ाया। मैंने विभाग के एसी साहब की चौहान साहब थे चीफ इंजीनियर, उनको सबको अवगत करवाया और शाम को उन लोगों 5 बजे लेवल बढ़ने लग गया था। मैं जंक्शन पे था बढ़वा में, जैसे किसान ने मेरे को मोबाइल लगाया कि मेरे खेत में पानी घुसने लगा, उस समय ही उनको बताने के बाद में, और ऐसी समस्याएं कई बार होती है ये, मैं भी अध्यक्ष अध्यक्ष होने के नाते उन लोगों से बार बार चर्चा करता हूँ कि सर ये चीजें लापरवाही मत की जाए, किसान गरीब है, उनका बार बार नुकसान होता है। INC 24 न्यूज के लिए बड़वा से विकास पवार की रिपोर्ट।